आओ आठवें पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। आठवें पॉइंट पे मैं आपको यही बता रहा था कि आठवें मैंने अभी तक क्या बताया कि भाई अगर इफ, फिर से मैं लिख रहा हूँ, आप पहले सारे कई बात क्यों रिपीट करो, क्योंकि ताकि आपको याद हो जाए बेटा मेरे साथ साथ। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, इतने बार में आपको याद हो जाना चाहिए एट एक्स इक्वल टू ए, देन क्या क्या अपने पास है, एल एच डी बराबर आर एच डी है, एल एच डी बराबर आर एच डी है, और एक और वर्ड मैंने यहाँ पे देखो अलग अलग चौक से लिख दे रहा हूँ कि ये फाइनाइट होना भाई मंगता है, फाइनाइट तो जरूरी है। इनफाइनाइट होने पे क्या केस बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब इनफाइनाइट होता है तो क्या केस होता है। सोचो सोचो आप कि टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट हो जाए, मतलब टेन थीटा इक्वल टू पाई, टेन थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए, मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाय टू हो जाए, मतलब लाइन वर्टिकल हो जाएगी। सोचो, मैं बस यहाँ पे आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ कि हाँ क्या होगा उस केस में अगर फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट होगा तो क्या टेन थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या ऐसी परपेंड जो क्या ऐसे वर्टिकल लाइन जो ये वाली लाइन हो सकती है वर्टिकल, क्या वो लाइन आपका टेंजेंट बन सकती है कि नहीं, बन सकती है, जिसका नाम भी होता है वर्टिकल टेंजेंट। पर वो एक स्पेशल केस है, उसको पढ़ेंगे। फिलहाल में अगर फाइनाइट है तो हम आंख बंद करके कह देंगे कि ये चीज डिफरेंशिएबल है, ये हो गया। या दूसरा इसको लिखने का तरीका, एफ डैश ए माइनस इक्वल टू एफ डैश ए प्लस इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है। अच्छा, तीसरा अगर एक और बात बताया कि अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशियल कोफिशियंट एफ ऑफ ए इन सब के बराबर एफ ऑफ ए हो जाएगा, क्या इन सब के इक्वल टू कौन हो जाएगा, एफ ऑफ ए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर अब मैं लिखूं तो एफ ऑफ ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, अगर डिफरेंशिएबल है तो हम निकाल सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट तीन फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं, तीन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो आपका एफ ऑफ ए प्लस एच a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, पहला। दूसरा, एफ ऑफ ए बराबर, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आप इसको निकाल रहे हो कि इसको निकाल रहे हो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस एच, इसी का नाम मैंने एल एच डी दे रखा है, इसी का नाम मैंने आर एच डी दे रखा है। ये दो फार्मूले के अलावा एक और फार्मूला इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तीसरा फार्मूला। ये दो फार्मूले हैं, फार्मूला वन, फार्मूला टू, और ये फार्मूला थ्री क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू आपकी होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। जरा देखो तो इस फार्मूले को हम नाम देते हैं भैया, ये है आपका, ये है बिल्कुल रामबाण बोलते हैं इसको, ये रामबाण है भाई, ये है आपका रामबाण। कब यूज करते हो ये, बोलते हैं रामबाण फार्मूला है, ये कब बोलते हैं इसको, कब यूज करते हैं कि भाई ये फार्मूला तब अप्लाई करो जब ये दोनों फार्मूले से आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आप रामबाण फार्मूला यूज करो। डेफिनेटली ये आपका, ये वो दवाई है ना कि जो कि हर किसी के हर मर्ज का इलाज इसमें तो मिल ही जाएगा। आपने होता है ना आजकल के समय में लोग इम्यूनिटी बूस्टर के लिए गिलोय खाते हैं, गिलोय क्या है, हर किसी में काम करने वाली है, तो ये है वही गिलोय फार्मूला है कि भाई जब ये दोनों काम नहीं किया इसको लगा और ये लगा दे तो काम करेगा ही करेगा। पर गिलोय से पहले अगर कोई चीज आसानी से काम हो जा रहा है इन दोनों से, तो आप इसको अप्लाई करोगे ही करोगे। तो पहले आप इसको अप्लाई करते काम नहीं बन रहा है तो आप इसको खा रहे हो, यानी रामबाण इलाज अप्लाई करो, इसको मैं नाम देता हूं रामबाण फार्मूला है, काम करेगा पक्का, हर जगह काम करेगा, डेफिनेटली बहुत शानदार फार्मूला है, प्रोवाइडेड, इसमें एक वर्ड में लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर आपने कुछ तो गलत लिख दिया, प्रोवाइडिंग या प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। और ये क्या बला है सर, तो ये बला कौन सी है, ये तो आप लिमिट में पढ़ चुके हो कि लिमिट एग्जिस्ट करने पे, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए, और लेफ्ट हैंड लिमिट इस मेथड से निकालना ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और राइट हैंड लिमिट निकालना ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये आपका ये चीज हो जाएगा आपका ये रामबाण फार्मूला, तीन फार्मूला आपने पढ़ा। अगर जरा मैं देखो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे ना पूछ रहा हूं,
मैं आपको बस प्रैक्टिस के लिए कि एफ डैश थ्री आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे। एक तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ थ्री माइनस एच माइनस एफ ऑफ थ्री अपॉन माइनस एच, या और क्या लिख सकते हो बच्चों बोलो प्रैक्टिस के साथ, एफ ऑफ थ्री प्लस एच माइनस एफ ऑफ थ्री। ये बस आपको मैं लिखने का प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि वो आपसे गलती ना हो। याद तीसरा रामबाण फार्मूला क्या लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्सटेंडिंग टू इस बार थ्री ए ए एक्सटेंडिंग टू ए ए पे एक्सटेंडिंग टू थ्री क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। यह है कौन सा एक्स का नाम क्या है, यह है रामबाण फार्मूला। तो रामबाण फार्मूला आप यूज कर लिए फिर काम तो करेगा ही करेगा। अच्छा जरा और देखो इसी के ऊपर मैं और आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाता हूं लिखने का तो क्या हो जाएगा, जरा प्रैक्टिस फटाफट और एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे ना जब आपको सवालों के दौरान जाएंगे तो ये सब चीजों से चित्त परिचित होना चाहिए आपको कि आते ही आप फटाफट बोलो कि हाँ सर ने तो ऐसा बताया था। एक और मैं लिखता हूं, अगर आपके मैं कहूं कि एफ डैश माइनस टू हमको चाहिए तो आप किसी भी फार्मूले को लिखना चाहता हो, कोई बच्चे का न्यूरॉन्स दिमाग में उठा और बोला कि सर हम तो लिखेंगे एफ ऑफ माइनस टू प्लस एच माइनस एच माइनस एफ ऑफ माइनस टू, तो नीचे में क्या डालोगे आप, क्या डालोगे माइनस एच या प्लस एच। आप देखोगे यहाँ पे कि माइनस टू के साथ कौन है, प्लस एच है कि माइनस एच है, प्लस एच है तो नीचे प्लस एच। किसी का न्यूरॉन जगा बोला कि अरे सर हमारा हमको तो यही याद आ रहा है, तो उसने उसके बाकी न्यूरॉन से बोले कोई बात नहीं हम इसके लिए काम करेंगे। और कैसे काम करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस टू अपॉन माइनस एक्स माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ माइनस टू। देखो ध्यान से क्या एक्स ऑफ माइनस ऑफ माइनस टू, क्योंकि ए के जगह पे माइनस टू है, उसके सारे न्यूरॉन्स मिलके उसके जवाब दे दिए। फिर उसी में से कोई न्यूरॉन बोला अरे ये तो रामबाण वाला है यार, काहे इतना मेहनत कर रहे हो, ये तो रामबाण वाला है फार्मूला। फिर किसी का बोला ना 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 हमारा तो एकदम अलग हो रहा है, हमारा तो दिमाग ही अलग काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है उसका, एफ ऑफ माइनस टू एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ माइनस टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ माइनस टू, तो नीचे क्या आके बैठ जाएगा माइनस एच। अब मैं एक सवाल फिर से पूछ रहा हूं आपसे, जरा बताना आप लोग, जरा बताना बच्चों कि मैंने लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ थ्री एफ ऑफ फोर माइनस एच प्लस माइनस एफ ऑफ फोर अपॉन माइनस एच, बोलो इसको हम क्या लिख सकते हैं। या अगर ऐसे लिखा उल्टा, उल्टा भी अपने को सीखना है, उल्टा भी सीखना है, अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि क्या लिखा गया है। देखो तो एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, क्या लिखा है ये एफ डैश फोर, किसकी वैल्यू लिखी है ये एफ डैश फोर। मान लो ऐसे लिखा हो लिमिट, अब ध्यान से अब यहां पे हमको ध्यान चाहिए, यहां पे ध्यान से इसलिए मैं थोड़ा सा उधर साइड में बढ़ रहा हूं, यहां पे हमको ध्यान से देखना है। तो अगर हम ध्यान से यहां पे हमको चाहिए तो हमको थोड़ा जगह चाहिए यहां पे। अब इस जगह का हम यूज करें कि अगर सपोज कि ऐसे लिखा हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू फाइव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ फाइव अपॉन एक्स माइनस फाइव, आपका जवाब होगा सर ये एफ डैश फाइव होगा, हम बोलेंगे शानदार, आपका जवाब बहुत ही शानदार था। और इसी जवाब का प्रतीक्षा करते हुए हम बोलेंगे बेटा आप बताओ एक्सटेंडिंग टू एच या एक्सटेंडिंग टू पी, थोड़ा सा अभी और आसान करता हूं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी अपॉन एक्स माइनस पी, क्या हो जाएगा बच्चों एफ डैश पी। आई बात समझ में, जो उसके तरफ टेंड कर रहा है, मैं लिमिट में बताया था, लिमिट में बताया था कि यहां पे एक्स जा रहा है पी के पास, कौन जा रहा है पी के पास, एक्स जा रहा है पी के पास, तो वेरिएबल कौन हुआ, कौन वेरिएबल हुआ पी, आपका एक्स वेरिएबल हुआ। और रुका कौन है अपने आप को एकदम मतलब एटीट्यूड में, हम तो अपन यही रहेंगे, अपन तो नहीं मूव करने वाले हैं, अपन मूव नहीं करने वाले हैं, कौन बोला ये बात
पी बोला है। और तो एक्स भैया बोला विनम्र है, बोला मैं ही आ रहा हूं, आपके पास मैं ही पहुंच रहा हूं, कोई बात नहीं। तो एक्स जा रहा है किसके पास, एक्स टेंडिंग टू पी, मतलब एक्स मूविंग टुवर्ड्स पी, आइदर लेफ्ट साइड आइदर राइट साइड। तो या तो लेफ्ट साइड से जा रहा है या राइट साइड से जा रहा है, इसका मतलब कि आपको एक्स मूव कर रहा था, एक्स जो मूव करता है वो वेरिएबल होता है, पी कॉन्स्टेंट है। तो हम जब डिफरेंशियल कोफिशियंट लिख रहे हैं या डिफरेंशियबिलिटी पता कर रहे हैं, तो जो मूव करके जिसके पास पहुंच रहा है वही यहां पे आ रहा है। देखो पांच के पास पहुंच रहा है, पांच हो रहा है। इधर देखो जरा, इधर जरा देखो कि ये आपका ये मूव करके चार के पास पहुंचा, चार हो गया। इधर आपका देखो ये मूव करके आपका स्टैंडिंग टू जीरो से ये आपका मूव करके पहुंच गया माइनस टू पे, तो माइनस टू हो गया। अब और पूछ रहा हूं जरा, एक और लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई, अब तो आपको जवाब आना चाहिए, बोलो क्या हो जाएगा बेटा। x मूव कर रहा है y की तरफ, f ऑफ x, वही रामबाण फार्मूला है, क्या बन जाएगा ये f डैश y। अगर मैंने इसी चीज को जब मैं दिखाऊंगा तो मैक्सिमम जगह पे ऐसे लिखूंगा मैं, जब आपका सवाल आएगा तो y टेंडिंग टू x, मतलब y मूव कर रहा है, f ऑफ y माइनस f ऑफ x अपॉन y माइनस x। जरा देखो बदल गया, यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, y वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल इज y, और x क्या है तब कॉन्स्टेंट। क्यों जरूरत पड़ रही है सर, क्यों इसमें इतना माथा खपा रहे हो, क्योंकि मैं आगे इस पे बात करने वाला हूं जब सवाल करूंगा। तो x टेंडिंग टू y ये हो जाएगा आपका, आपकी बात f डैश x। आपको बात समझ में आई, पहले हम f डैश लिखना सीख रहे हैं, f डैश हमने लिखना सीख लिया कि कैसे किसी भी तरीके से होगा तो अपन लोग f डैश लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन f डैश लिखा गया। बात समझ में आ रहा है, लॉजिकली हर बार आप चलना कि कैसे f डैश x लिखते लिख रहे हैं। अब जरा अगले पॉइंट की तरफ बात कर रहे हैं, चाहो नेक्स्ट पे बात करने वाले हैं अपन लोग। आओ बच्चो, नाइन्थ नंबर के पॉइंट पे आप बात करने वाले हैं। नाइन्थ नंबर का पॉइंट क्या है कि कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशियबिलिटी, अभी मैंने बोल रहे थे अभी मैं कि क्या चीज वर्सेस डिफरेंशियबिलिटी, मतलब अभी मैं बोल रहा था आपको याद हो तो कि आपको कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या उसके डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम कितना श्योर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो यही वाली बात है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इस बात की हम गारंटी नहीं ले सकते, मतलब दिस डज नॉट इम्प्लाई, इसका मतलब तो इम्प्लाई हुआ ना, काट दिया, मतलब दिस डज नॉट इम्प्लाई कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। आए क्या चीज, क्यों भाई, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूटी में दो बातें हैं कि इसमें हो सकता है कि शार्पनेस हो, मतलब मे बी शार्पनेस हो सकता है कि इसमें शार्पनेस हो, और शार्पनेस होने से डिकंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मे नॉट बी शार्पनेस, हो सकता है कि शार्पनेस ना भी हो। अगर शार्पनेस नहीं होगा तब तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन अब ये थोड़ी हमको पता चल पाएगा कॉन्टिन्यूटी से कि नहीं फंक्शन में शार्पनेस था या नहीं था। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में श्योर नहीं हो सकते, किस वजह से, शार्पनेस की वजह से, क्योंकि हमें श्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, अच्छा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसमें, इसलिए श्योरली डिफरेंशिएबल के लिए, इसका मतलब है कि मे आर मे नॉट बी डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा सेकेंड पॉइंट, अगर मान लो कि डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, डीसी हो गया, दयाराम हो गया, तो ये इस केस में क्या आप कह सकते हैं क्या कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वो तो बेवकूफी होगी ना, डिसकंटिन्यूअस होगा डिफरेंशिएबल के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो एक कंडीशन चाहिए ही चाहिए थी कंटिन्यूटी, लेकिन इस बार तो डिसकंटिन्यूअस टूट गया फंक्शन, तो इस बात का श्योरिटी दे दिया कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। क्या सियोरिटी दे दिया कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, और इसको मैं नॉन डिफरेंशिएबल को सिर्फ एक बार के लिए मैं पूरा लिखा, आगे से मैं एनडी लिखूंगा, नंदू, ठीक है ना, ये नंदू हो गया फंक्शन, एनडी का मतलब नंदू रहेगा। तो ये डीसी या नंदू क्या बनेगा, डीसी या एनडी क्या रहेगा, तो जब डीसी होगा तो एनडी होगा पक्का। तीसरे नंबर की जरा बात सुने भाई लोग इधर क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो क्या इस बात की गारंटी देता है क्या कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? तो बिल्कुल देता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। चौथा, अगर फंक्शन क्या नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नंदू होगा, तो क्या इस बात की गारंटी देता है क्या कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? तो नहीं, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल हो तो नॉन डिफरेंशिएबल हो तो किसकी वजह से हो सकता है? तो फंक्शन में कॉर्नर आ गया होगा, या तो ये तो इसका मतलब कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा इसके बारे में सियोरिटी नहीं देता है, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल दो वजह से हो सकता है, या तो फंक्शन टूट गया होगा, या फिर दूसरा क्या होगा, वो होगा कॉर्नर आ गया होगा। जिस दिन कॉर्नर आया होगा उस दिन भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, जिस दिन टूट गया होगा तो भी नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। तो हम इस बात से श्योर नहीं है कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इंप्लाई डिसकॉन्टिन्यूटी, बट डिफरेंशिएबल इंप्लाई कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी इंप्लाई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये वाली आपकी बात जो है कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशिएबिलिटी का एक आपके इन दोनों के बीच का जो टक्कर है, मैच है, वो ये बताता है कि अगर ये है तो ये होगा और ये है तो ये श्योर नहीं है, मतलब हम इसके बारे में गारंटी बता नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद आते हैं 10th नंबर के पॉइंट पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे हिसाब से इतने सारे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, इतने ये सब तो चीजें हम समझने फिर लेने के लिए सीखा, हमने सीखा 10th पॉइंट को अगर हम ढंग से पढ़ लेना तो 10th पॉइंट, क्योंकि 10th पॉइंट पढ़ने का मतलब ये है कि जब आप डिफरेंशिएबिलिटी निकालोगे तो हर बार ये काम करने चलोगे, हर बार जो आप 10th पॉइंट में करने जा रहे हो वो हर बार करने चलोगे। क्या कि अगर मान लीजिए LHD आपने निकाला, क्योंकि जब डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना होगा तो LHD डेफिनेटली निकालेंगे आप, तो आपने LHD निकाला, वो आया LHD आया आपका, माना कि कोई L1 एक नंबर आया जो कि फाइनाइट था, आपने RHD निकाला वो कोई एक नंबर L2 आया, मैंने माना कि ये फाइनाइट था। अगर मैंने कहा कि LHD और RHD दोनों हमने निकाला और ये फाइनाइट था, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। और फंक्शन डिफरेंशिएबल मतलब कॉन्टिन्यूअस श्योर हो गया, डिफरेंशिएबल मतलब कॉन्टिन्यूअस श्योर हो गया। अगर ये दोनों बराबर हुए तो, सपोज कि ये दोनों बराबर नहीं है, इफ L1 नॉट इक्वल टू L2, तो क्या इस ये किस बात की तरफ गारंटी किया कि फंक्शन इज नंदू? फंक्शन कैसा है? फंक्शन तो नंदू है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन नंदू है यानी नॉन डिफरेंशिएबल है, इसके बारे में तो बता दिया, लेकिन एक बात और साथ साथ बता दिया कि बट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमने LHD और RHD निकाला है तो LHD भी फाइनाइट आया है और RHD भी फाइनाइट आया है। इसका मतलब यह है कि इस केस में क्यों नॉन डिफरेंशिएबल ये श्योरिट करता है कि इस बार सिर्फ कॉर्नर आया है, कॉर्नर या शार्पनेस अवेलेबल है। क्यों है? मैं अभी आपको थोड़ा सा एक फील देने की कोशिश करता हूं, अवेलेबल है यहां पे, तो मैं वो आपको फील देने की कोशिश करता हूं कि क्यों है ऐसा। इधर देखो, LHD निकाला मतलब आपका L1 आया है, मतलब L1 का मतलब फाइनाइट। मान लो मैंने कहा कि लेट आपका L1 की वैल्यू 3 है और L2 की वैल्यू 5 है, मान लेते हैं सपोज कि ऐसा कुछ है, या मैं L2 की वैल्यू -4 कर दिया कि ऐसा कुछ है, मान लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि L1 तो फाइनाइट है, L2 फाइनाइट है, मतलब LHD आपका 3 है और RHD आपका -4 है, ऐसा अपना फंक्शन है। और इसके बाद से अगर मान लो कि ये दोनों नंबर आए हैं, इसका मतलब है कि आपका यहां पे टेंजेंट थी, LHD का मतलब राइट साइड से, लेफ्ट साइड से टेंजेंट थी, टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड, और यहां का मतलब यहां पे भी टेंजेंट थी, लेकिन कहां से? टेंजेंट फ्रॉम राइट साइड, किधर से टेंजेंट थी? राइट साइड, क्योंकि आपको याद करो मैंने बताया था LHD का मतलब लेफ्ट साइड वाली सेकेंड और RHD का मतलब राइट साइड वाला सेकेंड, तो ये टेंजेंट था। कहने का मतलब है कि देखो ऐसे ऐसे, अरे बात समझ में, या इसके बजाय मैं ऐसे लेता हूं, देखो ऐसे ऐसे, देखो ये वाला जो है, देखो ये यहां इसी पॉइंट पे हम चेक करने वाले थे, यही वाला पॉइंट हमारा x इक्वल टू a है,
तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की बात करें तो कुछ टेंजेंट ऐसे आएगा, देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसे आया और इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसे आया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहां जैसे टेंजेंट लेफ्ट साइड से कुछ टेंजेंट ऐसे आया। ये वाला टेंजेंट है, ये L1 की वैल्यू यहाँ पे देखो एंगल थीटा है, पॉजिटिव है, 90 से कम है, तो L1 की वैल्यू आपका 3 संभव हो सकता है। यहां से L2 की वैल्यू, यहां से कुछ L2 की वैल्यू, इसका L2 मतलब राइट साइड का सेकंड है आपका -4। जरा मतलब बोलो क्या ये यहाँ पे जब इस पॉइंट पे फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा था, फंक्शन अवेलेबल था, तभी तो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आप निकाल पाए हो। और लेफ्ट साइड का निकालो जिसकी वैल्यू 3 है, राइट साइड का निकालो तो -4 आया है। अगर फंक्शन वहां पे नहीं होता तो L1 L2 यानी आप वो वहां पे फंक्शन का टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं। फंक्शन जब है ही नहीं तो टेंजेंट कहां खींचोगे, यहाँ पे फंक्शन ही नहीं टेंजेंट कैसे खींच सकते हो आप? कोई है आपके पास मौका? कोई जादू छोड़ी, जादू थोड़ी है कि नहीं नहीं है तो भी हमने टेंजेंट खींच दिया सर गई है, ऐसा थोड़ी होता है। जब वहां पे वो चीज होगी तभी तो आप, अरे जब कुछ होगा तभी तो तीर मारोगे, हवा में तीर मारोगे क्या आप शो कर सकते हो कि यहाँ कुछ नहीं है, तब भी हमने तीर छोड़ा और पार्थ तुमने पकड़ लिया, ऐसा थोड़ी होता है। पार्थ तभी पकड़ेगा, पार्थ तुम तीर छोड़ो सामने वाला पकड़ेगा तब, जब सामने वाला होगा तब ना। यानी इसमें से टेंजेंट तभी तो हो सकती है जब यहाँ पे फंक्शन था, वो लकीली ये था कि यूनिक टेंजेंसिया कॉन्सेप्ट कंजर्व नहीं कर रहा था, इसीलिए दोनों इक्वल ना होने का मतलब यूनिक टेंजेंट का कॉन्सेप्ट कंजर्व नहीं किया और इसलिए फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल हुआ लेकिन कंटिन्यूअस हो गया। तो सोचो ये वाला पॉइंट कितना काम का पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसको मानता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये वाले पॉइंट में आपने आपका जैसे ही आपको डिफरेंसिबिलिटी नॉन डिफरेंसिबिलिटी दिया जाएगा तो आपका एक परम कर्तव्य हो नाम परम धर्म परम कर्तव्य है आपका कि LHD निकालोगे, RHD निकालोगे, LHD निकाल के देखोगे ही, RHD निकाल के देखोगे ही, LHD निकाला कोई एक नंबर आई, RHD निकाला कोई एक नंबर आई, इक्वल हुआ आपने कहा कि कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंसिएबल भी हो गया, सब हो गया। इक्वल नहीं हुआ आपने कहा नॉन डिफरेंसिएबल हो गया, श्योर हो गया, फिर कंटिन्यूटी के लिए फिर LHL RHL और वो सब निकालने के बजाय आपने डायरेक्ट कहा कि वो हो, सर ने तो एक थ्योरम पढ़ाया था, एक बात बताई थी कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, फाइनाइट है, तो हम तो वही कह सकते कि वो ये तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। और इनफाइनाइट होने पे क्या होगा वो अभी भी मैं नहीं बता रहा हूं, उसको मैं बीच में कभी बताऊंगा, थोड़ा इस पर कुछ सवाल कर लेंगे तो, क्योंकि अगर अभी मैंने बताया तो कंफ्यूजन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसको वर्टिकल टेंजेंट बोलते हैं इनफाइनाइट होने पर, उसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, ठीक है। अब बच्चों अब जरा सा इतने हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब 10 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो भी चीजें हैं अब इस पे सवाल करते हैं, जरा मजा लेते हैं सवालों का, क्योंकि मजा तो तभी आता है जब हम सवाल करते हैं, क्योंकि ये तो सब थ्योरी पढ़ते पढ़ते थ्योरी तो खत्म हो गया डिफरेंसिबिलिटी का, एक दो और कॉन्सेप्ट है उसके बाद से थ्योरी खत्म हो गया, लेकिन मजा तो तब आएगा जब सवाल हम इसको कर पाए। मतलब असली हमारा कहां से निकल के आता है चीजें, हमें मजा कब आता है जब हम सवाल फटाफट सवाल बना लेते हैं। तो आओ आप क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके आपके लिए लिखा गया है कि मान लो कि दुनिया वाले सवाल दिए बड़े ही जालिम होते हैं, भाई भाई इतना बेटा इतना पढ़ लिए तो जरा इस सवाल का जवाब दे दो, 2x+1x>1 and 4x²-1x<1। तो फिर कहेंगे कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx कहां पे एट x=1 कहां पे 1 पे, क्योंकि इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, बोलो बेटा टर्निंग पॉइंट क्या है बच्चों, x=1। और जो टर्निंग पॉइंट है उसी पे तो पूछेगा, उसी पे तो उसको दिक्कत है, बाकी पे कहां दिक्कत है, बाकी पे तो उसके एक अंदा भी देख लेगा कि हाँ ये फंक्शन स्मूथ है डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये पूछा है तो हमारा धर्म बनता है, हम क्या पहले वही परम कर्तव्य, परम कर्तव्य किस चीज का है, परम कर्तव्य क्या है, परम कर्तव्य हम क्या करेंगे कि LHD निकालेंगे। LHD निकालने का सबसे पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, क्या है फार्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a-h) - f(a)/h - h। एक बात और है,
फिलहाल में तो मैं इस सवाल के लिए और कुछ स्टार्टिंग के यानी पहला और दूसरा लेक्चर तक, पहला दिन मतलब आज का और कल के यानी अगले कल के लेक्चर तक मैं आपको बताऊंगा सिर्फ क्या चीज कि ये एलएचडी एचडी निकाल के, अदरवाइज ऐसे फंक्शंस का तो ऐसे मतलब आंख देखा, आंख बंद किया, एक मिनट सोचा, मतलब 10 सेकंड सोचा, फिर आंसर दिया सर इसका ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, कैसे, बस इसको एक बार देखा, आंख बंद किया, 10 सेकंड सोचा और आंसर दिया, ऐसे टाइप में आप इसको बताओगे, जादू है उस समय। लेकिन अभी के लिए तो हम इसको पूरा मेथड से इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पे नीचे मैं लिखता हूं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, कहां पे चेक करना है बच्चों, x इक्वल टू 1 पे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सवाल के लिए a इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। जरा बताओ 1 माइनस h का मतलब होता है 1 से कम, क्या 1 से कम, और 1 से कम का मतलब 1 से कम, 1 से कम किधर साइड में, ये 1 से कम यहां पे अवेलेबल है कि यहां पे अवेलेबल है, कहां ऊपर के नीचे, आपका जवाब नीचे, सही बात है, तो नीचे अवेलेबल है, तो 1 माइनस एच एक्स की जगह पे यहां पे पुट हो जाएगा नीचे में, तो क्या लिखा आपने, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 4 इंटू एच के एक्स के जगह पे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। फिर आपने डाला क्या कि इसके जगह पे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कहां पुट होगा, मतलब x की वैल्यू 1 कहां पे है, ऊपर वाले फंक्शन में या नीचे वाले में, इक्वल टू कहां लगाए, देखो तो यहां या यहां, तो यहां क्लियरली लगाए, लगाए ना यहां पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो यहां पे पुट होगा मतलब माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 नीचे डिवाइडेड बाय माइनस एच। आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जरा देखो तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू पूरा मैंने एक बार इसको ओपन किया होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 और 1 3 अपॉन माइनस एच, क्या हो जाएगा बच्चों, जरा देखो तो एक लाइन और सॉल्व किया, ये यहां तो ये 4 प्लस 4 एच स्क्वायर माइनस 8 एच माइनस 4 अपॉन माइनस एच, ये इससे कट गया, ऊपर से एच कॉमन हुआ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ऊपर से एच कॉमन हुआ और ये बच गया 4 एच माइनस 8 अपॉन माइनस एच, ये इससे कट गया। अब लिमिट पुट किया तो 4 इंटू 0 माइनस 8 अपॉन माइनस 1, आंसर हो गया इसका 8, एलएचडी कितना आ गया बच्चों 8। अब क्या निकालेंगे, अगला हमारा क्या परम कर्तव्य है, आरएचडी निकालना, और आरएचडी अगर निकालते हैं क्या निकालेंगे, आरएचडी, तो आरएचडी का पहले एक बार फार्मूला लिख लेते हैं फटाफट, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ए इक्वल टू कितना, कहां पे निकालना है 1 पे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन नीचे में प्लस एच, बोलो 1 प्लस एच का मतलब 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा का मतलब, एक से ज्यादा का मतलब कौन सा फंक्शन लगेगा, एक से ज्यादा का मतलब ये देखो 1 ग्रेट x ग्रेटर देन 1 ऊपर वाला फंक्शन है क्या, मतलब फंक्शन कौन सा लेंगे, ऊपर वाला, ऊपर वाला फंक्शन क्या है 2x plus 1, मतलब x के जगह पे क्या पुट हो जाएगा 1 plus h, और पुट करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 plus h 2 इंटू x के जगह पे 1 प्लस एच प्लस 1 माइनस, अभी भी 1 तो यही पुट होने वाला है, नीचे में हो जाएगा प्लस एच, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, एच टेंडिंग टू 0 ये 2 प्लस 2h हो जाएगा प्लस एच माइनस 3 हो जाएगा अपॉन नीचे में प्लस एच हो जाएगा, बोलो ये इससे कट गया क्या, कटने के बाद क्या आया, कटने के बाद लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या आया 2h बाई h, अब ये कट गया, अब आंसर आया इसका 2, तो ये बराबर आरएचडी, मतलब एलएचडी की वैल्यू हमारे पास आई है 8, आरएचडी की वैल्यू हमारे पास आई है 2, क्या दोनों बराबर है क्या, एलएचडी आर नॉट इक्वल टू आरएचडी, इसलिए फंक्शन नंदू हो गया, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, बट रीजन 10वां पॉइंट याद करो, अगर सवाल ये भी पूछता है कि अब सवाल ऑप्शन में क्या मिलेगा, आपने तो नंदू चेक कर लिया, ऑप्शन में एक और होगा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट,
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, मतलब कंटिन्यूटी भी चेक करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब कि मैं चला चल निकालूंगा, कभी नहीं, अपना दसवां पॉइंट याद करूंगा। अपने दसवें भगवान को याद करेंगे, क्या क्या है यहाँ पे जरा देखो, इतने में क्या याद करेंगे अपन लोग कि भाई एल एच एल इक्वल टू आया है 8, एक फाइनाइट नंबर, आर एच एल एच एल एच डी, एल एच डी आर एच डी आया है 2, एक फाइनाइट नंबर, आ दोनों फाइनाइट है तो इसका मतलब कि क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है बट फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। इसका मैंने पूरा डिटेल में बता चुका हूं। अगर इसका मुझे ग्राफ देखना होगा, सपोज कि अगर मान लो कि हम चाहें कि ग्राफ से देखना कि हाँ सर आपको हमको ग्राफ से दिखा दो कि फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूअस है, जरा देखो मैं पढ़ा बहुत जल्दी से ग्राफ खींच के दिखा देता हूं, जरा सा मैं एक सेकंड का वेट कर रहा हूं ताकि आप इसका फटाफट लिख ले फिर मैं ग्राफ बनाऊं, जरा आप लिख लो मैं वेट कर ले रहा हूं एक सेकंड। तो अब आएंगे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे कि सर कैसे फंक्शन आपने कहा कि कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, जरा खींचते हैं। देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है कोई आपका एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन वाली लाइन कुछ ऐसे है, एक्स इक्वल टू वन वाली लाइन ऐसे है, एक्स इक्वल टू वन पे ये वाली वैल्यू कितना दे रहा है 3, यहां की कोई वैल्यू है 3 और x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू कितना दे रहा है, ये भी 3 है, नहीं x इक्वल टू 1 पे लेकिन वैल्यू तो दे रहा है 3 ही। अच्छा अब जरा बताओ ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन कौन सी है, ऊपर लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 और तरीका बता चुका हूं माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 1, मतलब ये आपका माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कुछ आपका ये लाइन जाएगा कहां से जाएगा, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 से जाएगा, यहां कहीं 1 होगा, और ऐसे ही अगर y इक्वल टू 0 रखो तो x इक्वल टू हाफ होगा, कहीं यहां हाफ होगा माइनस हाफ होगा, ऐसे कुछ जाएगा ये, लेकिन क्या ये आगे जाना है तो आगे ऐसे जा रहा होगा। देखो ये लाइन सिर्फ मैं x ग्रेटर देन, चूंकि ये वाला ऊपर वाला x ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 के लिए है तो मैं ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ इधर का बनाऊंगा, पीछे वाला तो सिर्फ अपने को एक आइडिया लेने के लिए खींचा गया है। अब ये वाला जो ग्राफ है ये है आपका 4x स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1, कैसे कौन सा वाला है, y इक्वल टू जरा देखते रहो y इक्वल टू 4x माइनस 1, तो y इक्वल टू 4x माइनस 1 में क्या 4x स्क्वायर माइनस 1, तो क्या ये वाला सिमिलर ग्राफ होगा y इक्वल टू 4x स्क्वायर का, फिर ये माइनस 1 का मतलब इसका ग्राफ एक यूनिट नीचे खिसक जाएगा, और जरा देखो इसका मतलब कि क्या ये माइनस 1 से ऐसे जाएगा, क्या ये क्या इसका ग्राफ नीचे कुछ ऐसे ही जाएगा, क्या ये कि y इक्वल टू 4x स्क्वायर कुछ ऐसे बनता है ऐसे, लेकिन आपको माइनस 1 है तो कुछ ऐसे जाएगा ये ऐसे, और चूंकि 3 पे तो इसको जाके मिलना ही है क्योंकि x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 3 हो रही है, और चूंकि इसकी वैल्यू तो 3 से जस्ट पीछे है, 3 से जस्ट पीछे पे मतलब 1 पे तो 1 पे तो है ही नहीं तो जस्ट पीछे तक रहेगा और 3 और 3 तक ही रहेगा। जरा देखो यहां पे आते ही देखो ये फंक्शन हर भी जगह है, इधर से इधर में ऐसा है, इधर से इधर में ऐसा है, मतलब फंक्शन तो है लेकिन देखो यहां पे कॉर्नर आ गया, और कॉर्नर होने की वजह से ये आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल था लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो है। देखो ये फंक्शन क्लियरली देखो जाके मिल रहा है, ये एक्स लेस देन 1 के लिए था तो फंक्शन यहां से जाके मिला यहां पे और 3 से आगे इधर है, तो फंक्शन तो आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि फंक्शन इवरी जगह है, लेकिन ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि कॉर्नर आ गया। तो यही वाली बात है, मैं यही आपको बोला था कि दसवें के एग्जांपल के समय में कि मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा एग्जांपल के टाइम पे कि कैसे फंक्शन आपका वहां पे एग्जिस्ट कर रहा था, तो कॉर्नर आ गया इसीलिए फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल लेकिन फंक्शन लगातार है इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी चीजें हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल करेंगे और थोड़ा सा इसको अपना इसको मजबूत करेंगे, IIT के सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर्स के और सब इसके बाद कल करते हैं इसको। थैंक यू।